हेलो फ्रेंड्स, तो अभी तक हम लोगों ने डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशंस किया था एंड मैंने आपको 4-5 प्रॉब्लम ऑलमोस्ट कंप्लीट किए थे। ओके, तो आज का जो हमारा सेशन है बच्चों, उसमें हम नई दो चीजें पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। उसमें से पहला है आपके लिए इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। सभी ध्यान से सुने, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। एंड जो सेकेंड चीज हम आज पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज योर ट्रांसफर ऑफ गुड्स एट इनवॉइस प्राइस। तो हमारा आज का जो टॉपिक है बच्चों, फर्स्ट आपका है इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर एंड सेकेंड आपका है ट्रांसफर ऑफ गुड्स एट इनवॉइस प्राइस। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हम लोग डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के कुछ प्रॉब्लम्स कर चुके हैं। नेक्स्ट जो आज का प्रॉब्लम है वो हमारा बेस करता है आपका इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर पे। उसके साथ ही हमें उसी प्रॉब्लम में देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा ट्रांसफर ऑफ गुड्स एट इनवॉइस प्राइस। ओके, सो दीज आर आवर टुडेज टॉपिक। सो बच्चा, सबसे पहले हमें जानना है व्हाट डू यू मीन बाय इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। तो सभी ध्यान से क्लास को एंड तक सुने, देन उसके बाद हम प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। सो व्हाट डू यू मीन बाय बच्चों इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। आप सभी को मालूम है कि पहले आपका डिपार्टमेंट का मतलब क्या है। व्हेन सेवरल बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज, एक ही बिजनेस एंटरप्राइज का अगर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज आर बच्चों कंडक्टेड अंडर वन रूफ, एक ही छत के नीचे अगर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज होती है, नॉट सिमिलर नहीं बोल रहा मैं, डिफरेंट एक्टिविटीज अगर होती है तो उनको बोला जाता है, ईच एक्टिविटी को, ईच सेगमेंट को, ईच पार्ट को बोला जाता है डिपार्टमेंट। एंड वहां पर उस ओवरऑल आपका बिजनेस एंटरप्राइज का अलोंग विद बच्चों आपका ईच डिपार्टमेंट, जो आपका टोटल बिजनेस डिफरेंट एक्टिविटीज या सेगमेंट या पार्ट में या डिपार्टमेंट में डिवाइड हुआ है, उस ओवरऑल सभी डिपार्टमेंट का सेपरेटली एंड आपका मोर ओवर आपका टोटल बिजनेस एंटरप्राइज का प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजिशन एंड उनकी इंफॉर्मेशन के बारे में जानने के लिए हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग पढ़ते हैं। क्लियर? सो एन अकाउंटिंग विच इज डन फॉर, विच इज मेड फॉर, विच इज रिक्वायर्ड फॉर डिटरमाइनिंग द ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट एंड लॉस and true and fair view of the financial position of each department separately along with आपका overall business का भी आपका position क्या है, net profit क्या, combined profit क्या है, उसको जानने के लिए हम जिस प्रकार की accounting करते हैं उसे बोला जाता है departmental account। तो जिसके बारे में हम already बहुत बार discussion करके practical problem कर चुके हैं। So उसी के अंदर हमारे पास एक topic आया आज, inter departmental transfer। Clear? तो suppose बच्चों हमारे पास डिपार्टमेंटल अकाउंट्स है, तो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में हमारे पास एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड होता है, सभी को मालूम है, डेबिट साइड और एक आपका क्रेडिट साइड, जिसमें डेबिट में अभी हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, पर्टिकुलर्स कलम होते हैं, देन डिपार्टमेंट वाइज। सपोज हमारे पास टू डिपार्टमेंट है, तो एक डिपार्टमेंट हुआ ए, एक डिपार्टमेंट हुआ बी। सिमिलरली आपका क्रेडिट साइड में भी होगा पर्टिकुलर, देन आपके टू डिपार्टमेंट्स होंगे, फर्स्ट वन आपका हो गया ए, सेकेंड वन हो गया आपका बी। यू नो जैसे हमारा फाइनल अकाउंट बनता है वैसे ही होता है। सो पर्टिकुलर्स, उसके बाद अमाउंट में फॉर डिपार्टमेंट ए का अमाउंट, डिपार्टमेंट बी का अमाउंट, देन अगेन पर्टिकुलर्स। ओके, हम यहां पे बच्चों लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, यहां लिखते हैं परचेजेस, ठीक है, वैसे ही हम लोग यहां लिखते हैं बाय सेल्स, अगर रिटर्न होगा तो परचेज माइनस रिटर्न होता है, अगर सेल्स में कुछ रिटर्न होता है तो रिटर्न माइनस करते हैं, एंड परचेज में बहुत कैश परचेज भी होता है, क्रेडिट परचेज भी होता है, सेल्स में भी आपका कैश भी होता है, क्रेडिट भी होता है। क्लियर? तो हम लोग इस तरह से अकाउंट्स बनाते हैं, फाइनली क्लोजिंग स्टॉक भी होता है हमारे पास।
तो हम यहां पे क्लोजिंग स्टॉक भी लिख सकते हैं। बट ये जो आज का जो हमारा टॉपिक है इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, समटाइम्स क्या होता है, सपोज ए और बी दो डिपार्टमेंट है, बी को कुछ मेटेरियल चाहिए, कुछ गुड्स चाहिए, दैट में भी रॉ मेटेरियल्स हो सकता है, दैट में भी फिनिश गुड्स हो सकता है। अगर सपोज बी को कुछ गुड्स चाहिए एंड वो गुड्स ए के पास अवेलेबल है, बी के पास कोई कस्टमर आए सामान लेने के लिए, बहुत सारे सामान बी से ले रहा है एंड एक पर्टिकुलर गुड्स बी के पास नहीं है, तो बी उस कस्टमर को ऐसे भी बोल सकता है भैया वहां से ले लो। या समटाइम्स एक आपका गुड बिजनेस स्ट्रेटेजी होता है, हम कस्टमर को क्यों हैरान करें, हमारा ही तो डिपार्टमेंट, हम ए से सामान लेके कस्टमर को देते। तो समटाइम्स बी को क्या जरूरत होता है कि वो ए से कुछ गुड्स मांगता है, चाहे वो आपका रॉ मेटेरियल हो, चाहे वो आपका फिनिश गुड्स हो। सो बी आपका डिपेंड करता है ए के ऊपर एंड ए उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। तो समटाइम्स क्या होता है बच्चों, आपका बी को कुछ गुड्स चाहिए तो वो ए से लेता है। तो अगर मैं ये बी अगर कुछ गुड्स परचेस करे तो हम बी में लिखते हैं, बी का ओपनिंग स्टॉक हम बी में लिखते हैं, ए का ए में लिखते हैं, क्लियर। तो हमने ए के लिए यहां लिखा, ए का परचेस यहां लिखा। वैसे अगर सपोज बी कुछ गुड्स ए से लेता है तो उसको बोला जाए क्या, यहां लिखेंगे बी परचेस कर रहा है, मतलब बी ले रहा है, परचेस तो नहीं रिसीव कर रहा है, कहां से, ए से। तो बी के अंदर हम लिखेंगे गुड्स का जो भी, सपोज 100 रुपीज का गुड्स अगर बी लेता है तो मैंने यहां लिखा 100 रुपीज, आया कहां से, टू ट्रांसफर फ्रॉम ए या ट्रांसफर फ्रॉम ए डिपार्टमेंट। हेडिंग हमने क्या दिया, बी ने क्या लिखा, ये 100 जो आया, ये जो गुड्स आया टू ट्रांसफर फ्रॉम ए, यहां पर लिख देंगे गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम ए, मेटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम ए। तो मतलब बी बोल रहा है कि उसने ए से 100 रुपीज का मेटेरियल लिया, क्लियर। तो ये अकाउंट हो गया हमारा, तो बी के प्लेस में 100 रुपीज का गुड्स आ गया, क्लियर, ठीक है। पर यही गुड्स किसने दिया, मान लो हमें तो अभी मालूम पड़ा कि ये गुड्स बी को मिल गया, तो बी के पास ऑलरेडी अपनी स्टॉक था, बी के पास परचेस था, बी के पास कुछ गुड्स भी आ गया, कहां से, ए से आ गया। पर यही गुड्स को बी को किसने ट्रांसफर किया है, ए ने दिया है, तो डेफिनेटली ए के पास जो पहले से, यहां सपोज ए के पास ओपनिंग स्टॉक, सपोज मान के चलते हमारे पास 10,000 का ओपनिंग स्टॉक था, उसने 50,000 का परचेस किया था, रिटर्न आप एडजस्ट हो चुके, सोच लो अभी 100 रुपीज का गुड्स ए ने ट्रांसफर किया है बी को, तो ए की जो ए के पास जो आपका मेटेरियल्स हो, फिनिश गुड्स हो, ऑलरेडी आप सपोज आप फिनिश गुड्स लेके चलो, मान के चलो तो ओपनिंग स्टॉक था 10,000, परचेस था 50,000, तो टोटल 60,000 हो गया। तो यहां 60 में से जब 100 रुपीज का गुड्स ए ने बी को ट्रांसफर किया, डेफिनेटली ए के प्लेस में हमें यहां -100 लिखना चाहिए, तभी तो ठीक होगा। दैट मीन्स ए के पास जो टोटल हमारे पास गुड्स था दैट वॉज आपका था 60,000, अभी वो हो जाएगा आपका 59,000, 900 कब होगा जब हम 100 रुपीज यहां जब प्लस करते, यहां 100 रुपीज माइनस करके। बट इसका एक तरीका है, ऐसे माइनस किया नहीं जाता, जैसे हमने जब ए ने बी को ट्रांसफर किया, हमने यहां लिखा टू ट्रांसफर ऑफ गुड्स लिख सकते हो, ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम ए डिपार्टमेंट, वैसे ए का जो 100 रुपीज का गुड्स माइनस हुआ, हमें उसको यहां क्रेडिट साइड में शो करना पड़ेगा बाय ट्रांसफर ऑफ, अगर मैं गुड्स लिखता हूं, आप यहां भी लिख सकते हो ट्रांसफर ऑफ गुड्स लिख सकते हो, बाय ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू बी। यहां पे ए बोल रहा है मैंने गुड्स बी को दिया, इसलिए ए के प्लेस में हम 100 रुपीज लिखेंगे। अब देखो समझ में आए, ए के पास डेबिट साइड में स्टॉक था 60,000, क्रेडिट साइड में सेल्स क्लोजिंग स्टॉक जो भी हो वो अलग बात है, बट आपका ट्रांसफर कितना हो गया 100। अभी हम इसके लिए पढ़ रहे हैं ना कि इन चीजों के लिए पढ़ रहे हैं, क्लियर। तो अभी ए ने जो 100 रुपीज का आपका गुड्स ट्रांसफर किया था बी को, ए ने यहां शो किया टू ट्रांसफर ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम ए, मतलब ए ने शो नहीं किया, बी ने शो किया। जब बी यहां पे 100 रुपीज लिखता है, डेफिनेटली बी को इसके लिए यहां पे
यहाँ पे आपको पर्टिकुलर्स में डिटेल्स लिखना पड़ेगा। तो बी ने लिखा ट्रांसफर दीज 100 रुपीज ऑफ गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम ए। सो दिस इज द डिटेल्स ऑफ, दिस इज द पर्टिकुलर्स ऑफ आपका बी। सिमिलरली यहां पे ए ने 100 रुपीज लिखा आपके गुड्स उसकी जो कम हो गए, इसलिए उसने क्रेडिट साइड में लिखा। तो इसके लिए उसने डिटेल्स में क्या लिखा, बाय ट्रांसफर ऑफ गुड्स, बाय ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू बी। इसके लिए जो उसने दिया पर्टिकुलर कि ये 100 रुपीज का गुड्स मैंने ए ने बी को ट्रांसफर किया है, क्लियर। तो ये हुआ, दिस इज कॉल्ड आपका इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। मैंने यहां पे सिर्फ आपको इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर का मीनिंग तो आपको समझ में आ गया, साथ में किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। सो व्हाट डू यू मीन बाय इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ आपका सम गुड्स, सम सर्विसेज, सम स्टाफ, कुछ भी हो, दैट डजंट मीन कि बस हमारा गुड्स हो सकता है, यहां के वर्कर्स भी कुछ समय के लिए वहां जा सकते हैं, कुछ सर्विस भी वहां ट्रांसफर हो सकती है। सो ट्रांसफर ऑफ गुड्स, एम्प्लॉयमेंट या सम सर्विसेज फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट इज नोन एज इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। क्लियर, आप समझ में आया। एंड उसे कैसे हम लोग करते हैं, मैंने यहां प्रेजेंट कर दिया। वैसे अगर कोई सर्विस भी होती, अगर ए डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट को कुछ सर्विस देता, या अगर बी डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट को सर्विस देता, या दोनों ही एक दूसरे को देते, वैसा भी हो सकता है। यहां पे ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम ए लिखा, यहां लिखा गया अमाउंट बी में, बिकॉज दिस इज द डिटेल्स ऑफ आपका बी का है। वैसे ए भी लिख सकता है ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम बी, बी ए भी लिख सकता है कि मैंने बी से कुछ गुड्स लिया है, तब आपको वहां पे वही ट्रांजेक्शन को कहा लिखना पड़ेगा, उस अमाउंट को ए में लिखना पड़ेगा, एंड उसकी डिटेल्स को आपको ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम बी लिखना पड़ेगा। एंड यहां लिखोगे बी क्या लिखेगा, बाय ट्रांसफर टू ए, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। अब एक बात है, हम लोगों ने इसे क्यों सेपरेटली शो किया, हम यहां चाहते तो प्लस माइनस भी कर देते। एज बच्चों हमारे पास ईच डिपार्टमेंट आर ट्रीटेड एज सेपरेट सेपरेट यूनिट, सारे डिपार्टमेंट आपके लिए सेपरेट सेपरेट यूनिट है। सो डेफिनेटली हमें सभी डिपार्टमेंट का प्रॉफिट लॉस निकालना है सेपरेटली, दैट इज व्हाई इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर को हमें इस तरह से प्रेजेंट करना पड़ता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, ठीक है। होप सभी को समझ में आया होगा। सो बच्चों व्हाट डू यू मीन बाय इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर किसे कहा जाता है, तो आप लोग लिख सकते हैं ट्रांसफर ऑफ गुड्स ऑफ मेटेरियल भी हो सकता है, गुड्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्टाफ, हमारे पास अगर कुछ स्टाफ है, और सर्विसेज, कुछ भी आपका ट्रांसफर ऑफ गुड्स हो, कुछ स्टाफ को हम भेज दें, या कोई सर्विस किसी और के लिए हम कर दें, और सर्विसेज फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, जरूरी नहीं है कि एक ही डिपार्टमेंट दूसरे को देगा, दूसरा भी इसको दे सकता है, वन डिपार्टमेंट टू अनदर इज नोन एज आपका क्या बोला जाता है, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, ठीक है। सो दिस इज योर मीनिंग, ट्रांसफर ऑफ गुड्स या एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्टाफ, अगर नहीं आता सिंपल आप ले सकते ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ओके, फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, टू अनदर मीन्स टू अनदर डिपार्टमेंट इज नोन एज इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, क्लियर हो गया। उसके बाद सिंस हमारे लिए ईच डिपार्टमेंट इज ट्रीटेड एज ए सेपरेट
यूनिट। जैसे कि हमें मालूम है कि ईच डिपार्टमेंट इज ट्रीटेड एज ए सेपरेट यूनिट या सेपरेट प्रॉफिट सेंटर बोल सकते हो, सेपरेट प्रॉफिट सेंटर कमा, सो इट इज नेसेसरी सिंस ईच डिपार्टमेंट इज ट्रीटेड एज ए सेपरेट यूनिट और सेपरेट प्रॉफिट सेंटर, इट इज नेसेसरी टू सो या टू पास द रिक्वायर्ड एंट्री फॉर, जो हमें चाहिए वो हमें करना पड़ेगा। जैसे कि सारे डिपार्टमेंट अलग अलग यूनिट है, सेपरेट प्रॉफिट सेंटर है, तो हमें नेसेसरी है, हमारे लिए कंपल्सरी है टू पास द रिक्वायर्ड एंट्री फॉर ईच डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। सारे डिपार्टमेंटल ट्रांसफर के लिए हमें रिक्वायर्ड जो हमें जरूरी है उस प्रकार का ट्रीटमेंट हमें शो करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड योर इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। दिस इज ऑल्सो आपका वन ऑफ द टू मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो सभी स्टूडेंट्स इसको याद रखें, ट्रांसफर ऑफ गुड्स और एनी स्टाफ एम्प्लॉयमेंट जो हमारे पास ऑलरेडी है और एनी सर्विसेस और परफॉर्मेंस भी लिख सकते हो फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इज नोन एज इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। जैसे कि ईच डिपार्टमेंट इज ट्रीटेड एज आप लोगों के लिए सेपरेट यूनिट या सेपरेट प्रॉफिट सेंटर, सो हमारे लिए कंपल्सरी है, इट इज नेसेसरी टू पास द रिक्वायर्ड एंट्री, जो हमें जरूरत है वही एंट्री हमें करना पड़ेगा। ओके, एंड इसके लिए क्या होता है समटाइम्स, सभी देखिए ध्यान से, समटाइम्स नहीं ओवरऑली हमें जो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर हम लोग जो करते हैं इसके लिए हमें, अगर रेगुलरली हमारे कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस एंटरप्राइज में इस तरह से इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर होता है, सो वी आर रिक्वायर्ड फॉर दिस कंपनी या अकाउंटेंट या वी आर रिक्वायर्ड जो लिख सकते हो, वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर आपका वीकली शीट, वीकली डिपार्टमेंटल ट्रांसफर शीट वीकली, और आपका मंथली डिपार्टमेंटल ट्रांसफर शीट सीट। तो इसके लिए हम लोगों को डिपार्टमेंटल शीट, हमें जहां पे डिटेल्स शो करना है किसे किस तरह से कितने सारे मटेरियल्स, सपोज आप एक ही बार करते हो सो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर एक ही मंथ में एक ही साल में रेगुलर बेसिस पे एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को अपना गुड्स अपनी सर्विसेज अपने स्टाफ को ट्रांसफर करता है, सिमिलरली उससे भी वो एवेल करता है, सो अगर रेगुलर बेसिस पे ऐसे होता है सो इट इज क्वाइट हमारे लिए इनकन्वीनियंट होगा, मतलब नॉट कन्वीनियंट टू प्रेजेंट द सेवरल ट्रांसफर ऑफ गुड्स सेवरल ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट या सर्विसेज फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट इन द डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में बार बार अगर नहीं टू ट्रांसफर तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक परचेज लेस रिटर्न, यू नो फाइनल अकाउंट इज ए फाइनल लेजर, हम लोग लेजर बनाने के बाद जहां पे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं वर्गीकरण करते हैं सारे जो ट्रांजेक्शन हमारे जर्नल में रिकॉर्ड हुए होते हैं उनको क्लासिफाई करते हैं लेजर में, एंड लेजर से हम लोग बनाते हैं फाइनल अकाउंट, या लेजर्स को हम लोग और थोड़ा इजी वे में समझने के लिए हम ट्रायल बैलेंस का साथ लेते हैं सपोर्ट लेते हैं, ट्रायल बैलेंस हमें सिखाता है क्या बनाने के लिए फाइनल अकाउंट। सो एनीवे जो भी हो लेजर हो या ट्रायल बैलेंस हो वहां पे आपको हर एक आइटम का आपको पर्टिकुलर लेजर जिसमें आपको बैलेंस मिलता है, तो आप हर चीज के लिए एक ही अमाउंट लिखते हैं, परचेज ओवरऑल थ्रू आउट द ईयर आपने लाखों बार परचेज किया होगा पर ओवरऑल कितना परचेज हुआ परचेज लेजर से या ट्रायल बैलेंस से आपको मिलता है उसको आप फाइनल अकाउंट में शो करते हैं। तो वैसे अगर कंपनी में आपका रेगुलर बेसिस पे सेवरल टाइम्स अगर इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर होता है तो इट बिकम्स
आपका इनकन्वीनियंट हो जाएगा कि आप सारे इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर ऑफ गुड्स या सर्विसेज को एट वन प्लेस पे शो करेंगे, सो आपका डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग उसी में भर जाएगा। सो इट इज बेटर हमारे लिए है सबसे कि हम उसके लिए सेपरेटली वीकली या आपका मंथली या उससे भी अगर ज्यादा होता है तो हम सीट बनाएं एंड फाइनली कितना ट्रांसफर ऑफ गुड्स एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट किया था एंड उसी डिपार्टमेंट ने उससे क्या गुड्स या सर्विसेज रिसीव की थी उसको हम फाइनली टोटल करके डिपार्टमेंटल अकाउंट में शो करें। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट अवर डिपार्टमेंटल इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। होप सभी को समझ में आया। अगर फिर भी किसी को डाउट रहा तो इस क्लास को दोबारा से सुने या मुझे कोई भी मेल करके मैसेज करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट उसके बाद आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यस कमिंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तुम लोग जरा लेट भी आते हो। उसके बाद आपका नेक्स्ट था इनवॉइस प्राइस। नेक्स्ट आपका था इनवॉइस प्राइस। क्या था? इनवॉइस प्राइस। तो देखिए बच्चों, व्हाट इज इनवॉइस प्राइस? इसका अदर नेम है, इसको और बोला जाता है लोडेड प्राइस। और क्या बोला जाता है? कॉस्ट प्लस प्राइस। ओके, या समटाइम इसको मार्केट प्राइस ही बोल देते हैं, बट बेसिकली इसके अदर नेम्स हैं आपके इनवॉइस प्राइस, लोडेड प्राइस, कॉस्ट प्लस प्राइस। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय इनवॉइस प्राइस? आज का हमारा सेकेंड जो क्वेश्चन है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के लिए, दैट इज योर इनवॉइस प्राइस। ओके, सो बच्चों व्हाट डू यू मीन बाय इनवॉइस प्राइस? सपोज यहां पे सपोज एक डिपार्टमेंट है ए और एक डिपार्टमेंट है बी। क्लियर? ए डिपार्टमेंट जब बी डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफर करता है, ए डिपार्टमेंट ने अपने गुड्स को बी को ट्रांसफर किया, दैट इज नोन एज इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, जो मैंने आपको आज बताया। तो सपोज यहां पे 100 रुपीज का गुड्स उसने ट्रांसफर किया है, ए ने बी को कितना किया? 100। हम मान के चले थे 100, अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया उसमें 100 ही लिखा था। तो ए ने बी को 100 रुपीज का गुड ट्रांसफर किया था, जो कि आपका ए बी क्रेडिट साइड में यहां पे 100 रुपीज लिखा गया था। अब यहां पे प्रॉब्लम यह है, दिक्कत यह है कि यहां पे जब 100 रुपीज का गुड्स वो ट्रांसफर करता है ए बी को, आपको इस बात को ध्यान समझनी है कि ए जब बी को 100 रुपीज का गुड ट्रांसफर करता है, क्या उसने कॉस्ट प्राइस में ट्रांसफर किया या उसने इनवॉइस प्राइस में ट्रांसफर कर दिया? अगर मेरी क्लास को पूरा एंड तक बच्चे देखेंगे, बिगनिंग से लेके, सभी का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। एंड अब जो हम प्रॉब्लम करने वाले हैं, नेक्स्ट 6-7 प्रॉब्लम, सारे प्रॉब्लम इन पे बेस करके बनी हुई है, तो इनका इसको समझना एंड उसको प्रैक्टिकली करना बहुत सभी के लिए जरूरी है। तो जब ए ने बी को गुड ट्रांसफर किया, समटाइम्स बी को रिक्वायर्ड हुआ, तो बी ने ए से गुड्स लिया, तो बी के प्लेस पे एड हो गया एंड क्रेडिट साइड में ए की जगह से माइनस हो गया। बट देयर इज नो प्रॉब्लम। बट प्रॉब्लम यहां पर होती है, समटाइम्स क्या होता है, ए जब गुड्स बी को ट्रांसफर करता है वो सोचता है मैं ए बी को गुड्स दे रहा हूं, बी बेचेगा, तो ये क्या करता है, इसे बोले मेरा प्रॉफिट तो नहीं शो होगा। तो ये जब बी को गुड्स देता है, मान के चलो कि उस गुड्स का प्राइस था 80 रुपीज, कितना था वो अपना प्रॉफिट। सपोज वही गुड्स अगर ए आउटसाइडर को बेचता, कस्टमर को सेल करता, तो डेफिनेटली प्रॉफिट मार्जिन रख के बेचता। वैसे ए ने क्या किया, वही गुड्स जब बी को ट्रांसफर किया, कुछ प्रॉफिट ऐड करके दे दिया। क्लियर? तो दैट मीन सपोज 80 रुपीज का गुड्स था, क्लियर, 80 में उसने क्या किया, 25% प्रॉफिट रख लिया। कितना रखा? सो व्हाट इज द 25% ऑफ 80 आपका होता है 25 इनटू 400, 4 में काटा 20, सो योर प्रॉफिट इज
दैट मीन 80 रुपीज का गुड्स था, कॉस्ट प्राइस क्या था आपका 80, आपका कॉस्ट प्राइस था 80, ओके okay. उसने प्रॉफिट क्या ऐड किया 20, तो आपका उसने जो गुड्स सेंड किया, जिस गुड्स पे उसने इनवॉइस किया, वो वन टाइप ऑफ सेलिंग प्राइस हो गया, इनवॉइस प्राइस, सेलिंग तो नहीं बोल सकते बिकॉज सेल नहीं हुआ है, वन डिपार्टमेंट नहीं दूसरे डिपार्टमेंट को बस ट्रांसफर किया। तो अभी जो फिलहाल गुड्स ए ने बी को दिया है दैट इज एट कॉस्ट प्लस प्राइस, दैट मीन्स आपका कॉस्ट प्लस सम परसेंटेज ऑफ क्या हुआ प्रॉफिट। सभी को समझ में आएगा, ध्यान से सभी सुने, ओके, सो दैट इज कॉस्ट प्लस सम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो उसने कॉस्ट था 80, आपका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रख लिया 20 एंड उसने ट्रांसफर किया 100 में, सो दिस इज कॉल्ड आपका इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस। अब मान के चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए ने बी को गुड ट्रांसफर किया 100 रुपीज में, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर वही गुड्स बी का सेल नहीं होता है, अगर वही गुड्स बी के पास एज ए क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है, मेरी बात को सभी ध्यान सुने बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ही आपके लिए। ए ने बी को ट्रांसफर किया, नो प्रॉब्लम, क्लियर। बट ए ने जब बी को ट्रांसफर किया, ए ने क्या किया, कॉस्ट प्राइस के साथ कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रख के ट्रांसफर किया, दैट इज कॉल्ड इनवॉइस प्राइस। तो आपको मीनिंग तो अपने आप मालूम पड़ रहा है, समटाइम्स गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट बाय टेकिंग इन टू अकाउंट या बाय एडिंग सर्टन परसेंटेजेस ऑफ प्रॉफिट टू द कॉस्ट, दैट इज नोन एज इनवॉइस प्राइस या लोडेड प्राइस। क्या लोडेड, इतना था हमने कुछ एड कर दिया तो प्राइस यहां हो गया, लोडेड प्राइस या मार्क अप प्राइस, क्या बोलते इसको, और क्या बोलते इसको हम लोग, मार्क अप, मतलब आपका यहां पे प्राइस था, हमने इसको यहां बढ़ा दिया 80 से 100, मार्क मैंने जितना प्राइस था उसको बढ़ा दिया, सो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। बट अगर यही गुड्स, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मैंने जब गुड ट्रांसफर किया, ए ने जब बी को ट्रांसफर किया, तो उसने उसको लोडेड प्राइस में ट्रांसफर किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर यही गुड्स बच जाता है बी के पास इन द फॉर्म ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, हाँ ओके, ए क्या बोला कि मुझे तो प्रॉफिट हो गया, पर एक्चुअली क्या प्रॉफिट हुआ होगा, जब तक हमारा गुड्स कस्टमर के पास नहीं जाएगा तब तक तो प्रॉफिट नहीं आएगा, हमारा ही 80 रुपए का गुड्स जो है हमारे ही डिपार्टमेंट के पास है, बट आवर अकाउंट्स क्या दिखा रहा है 100 रुपीज, तो 20 रुपीज प्रॉफिट हमारा एक्स्ट्रा दिखा रहा है जो कि अभी तक हमें मिला नहीं है। सो डेफिनेटली हमको लास्ट में ऐसा ट्रीटमेंट लिखना पड़ेगा जिसमें हमें वो 20 रुपीज काटना पड़ेगा बिकॉज हमारा अभी तक प्रॉफिट नहीं बना है क्या। सो सेंडिंग ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ गुड्स एट इनवॉइस प्राइस कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर हमें ट्रू प्रॉफिट निकालना है एंड वो गुड्स आपका सेल नहीं हुआ है तो वहां पे ये दिक्कत लाएगा, ये आपका ट्रू प्रॉफिट नहीं दिखाएगा। तब आपको क्या करना है, आफ्टर आपका जो ओवरऑल नेट प्रॉफिट निकल जाएगा, ओके, नेट प्रॉफिट में दोनों का कंबाइंड प्रॉफिट होगा जिसको आज हम करेंगे समझेंगे। कंबाइंड प्रॉफिट निकलने के बाद आपको ये जो 25% किसमें मिला हुआ है 100 में, उस 25% को मतलब 20 रुपीज प्रॉफिट को कैंसिल करना है। फाइनली क्या करना है, 25% ऑफ प्रॉफिट को कैंसिल करना है। हमारे पास तो 80 नहीं होगा, होगा क्या, ये तो मैंने आपको एग्जांपल में समझाया। हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा, ओनली 100, क्या लिखा होगा 100, इसमें लिखा होगा इसमें 25% क्या है प्रॉफिट है, तो कोई बात नहीं इसमें 25% प्रॉफिट है, हमें उस 25% को कैंसिल करना है अगर गुड सोल्ड नहीं होता, एंड एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए भी हमें चाहिए, तो अगर ये गुड सोल्ड नहीं हुआ तो हमें उस 25% को कैंसिल करना पड़ेगा, पर हमें तो नहीं मालूम 25% कितना है, ये इसका क्या 25% होगा, 80 का 25%, सो कुछ भी प्राइस था उसमें आपका 25% क्या हुआ एड होकर आपका 100 हुआ है। तो ये सपोज बच्चा हमारा प्राइस, हम लोग क्या सोचे कि जो भी था 100,
तो 100 में 25% ऐड हुआ है तो वो 125% हो गया, क्या हो गया? सो दिस इज योर 125%, 125% आपका हो रहा है बिकॉज 100% द कॉस्ट, कॉस्ट में हमने ऐड किया क्या प्रॉफिट, तो ये निकला इनवॉइस प्राइस, तो 125% आपका हो गया 100, 125% हो गया 100, 1% क्या होगा, क्लियर? एंड हमें क्या निकालना है, 25% 100 बाय 125 इंटू, सो दिस इज योर आपका हो गया देखो 20, क्या निकल गया 20, तो कितना लोड है इसके अंदर, निकला कि नहीं निकला, तो व्हाट इज यहां पे ये 25 का आर है, ये 125 है कि नहीं है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आपका आप इनवॉइस प्राइस जो है उसके अंदर आपका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट इंक्लूडेड इन इनवॉइस प्राइस कैसे निकलेगा आपका बोलो, कैसे निकलेगा आपका जो भी है इनवॉइस प्राइस इंटू आर, इंटू क्या लिखा 25% मतलब आर बाय 100 प्लस आर, क्लियर? सो 125 मतलब 100 प्लस आर, दिस इज द फॉर्मूला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना है व्हाट डू यू मीन बाय इनवॉइस प्राइस, जो मैंने आपको बताया जैसे कि ट्रांसफर ऑफ गुड्स एट बाय एडिंग सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू द कॉस्ट प्राइस और दैट इज लॉडेड प्राइस या मार्कअप प्राइस इज नोन एज इनवॉइस प्राइस। अगर हम गुड्स ट्रांसफर करते हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को बाय एडिंग सर्टेन परसेंटेज, बाय कीपिंग सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू द कॉस्ट में, दैट इज नोन एज इनवॉइस प्राइस। As some percentage of profit is added, it is also known as loaded price, या markup price, या cost plus price, या cost plus some percentage of profit pricing. Clear? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, but अगर वो goods sell नहीं होता है तो overall company का जो profit है वो सही नहीं दिखाएगा। That is why finally profit निकालने के बाद आपको provisions करके इस 25% profit को या 20 rupees profit को आपको cancel करना होगा। And आपको ये 20 rupees कैसे मालूम पड़ेगा? आपका जो invoice price होगा उसमें आपको into R by 100 plus R करना है। So that हमें actual profit मालूम पड़ेगा कि actual cost था 80 and profit था 20 and that 20 rupees profit हमें अभी तक realize नहीं हुआ, हमें मिला नहीं है, तो उसके लिए हमें उसके लिए उस प्रॉफिट को टोटल प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट से उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग डिपार्टमेंट का प्रॉफिट निकाल पाएंगे। ओके ठीक है, सभी को इतना समझ में आया? नेक्स्ट बच्चों अपना बुक्स निकाले सभी, आपका टुडेज क्वेश्चन है, मैं आपको बोला था आज का जो क्वेश्चन है आपका वो डिपेंड करता है पूरा आपसे, हम जो भी पढ़ेंगे इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर प्लस उसके साथ हमें पढ़ना है इनवॉइस प्राइस। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बोला था जिसमें आपका इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर मेंशन है प्लस आपका इनवॉइस प्राइस। सो लेट्स सी द क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं, आप लोग खुद ट्राई करेंगे घर में। From the following data, prepare Department of Trading and Profit and Loss account, and thereafter the combined income account revealing the combined income account. Thereafter, combined income account. Okay, combined income account revealing the concerned true results for the year ended 31st December 2015. बस मुझे ध्यान से सभी सुने, आपको अपने आप आंसर मालूम पड़ जाएगा। एंड किस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे ये भी आपको मालूम पड़ जाएगा। सो दिस इज द क्वेश्चन, आपका डिपार्टमेंट ए एंड बी के बारे में है, यहां पे हमें कॉम्बाइंड प्रॉफिट निकालना है, देयर आफ्टर ट्रू प्रॉफिट निकालना है। कॉम्बाइंड प्रॉफिट तो ट्रू प्रॉफिट है ना, फिर ट्रू प्रॉफिट क्या है, दैट मीन यहां पे कुछ एक्स्ट्रा होगा जिसे हमें कैंसिल करना पड़ेगा। सो ओके स्टॉक लिखा है यहां पे 40, डिपार्टमेंट बी के पास नील, ओके उसके बाद परचेज है, बच्चे इधर देखो ध्यान से सुनो, परचेज क्या है 2 लाख एंड 20,000, नो प्रॉब्लम। सो ओपनिंग स्टॉक है परचेज है, देन वेजेस 10,000, 1,000, ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ए,
मतलब ए ने ट्रांसफर किया है, किसको ट्रांसफर किया है, बी को। तो आपको मालूम है कैसे लिखते हैं, बी की जगह आप लिखो क्या 50,000 डेबिट में, एंड क्रेडिट में वहां ए में क्या लोगे 50,000 कैंसिल होगा। देन स्टॉक ऑन 31 दिसंबर, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक 30/10, सिंपली ओपनिंग स्टॉक देन परचेज, उसके बाद आपको यहां पे ट्रांसफर का एंट्री देना है, उसके बाद आपको हाँ सेल्स, पहले स्टॉक लिख दिया पर पहले सेल्स होगा उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, इतना स्टॉक करोगे आपको क्या निकल गया ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस। देन यहां पे लिखा 20 एंटायर स्टॉक रिप्रेजेंट्स, आई थिंक सभी को समझ में आया, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है जो हमें जानने के लिए ज्यादा प्रॉब्लम होगी करने में, सॉल्व करने में दिक्कत होगी, सिंपली क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, सभी स्टूडेंट्स घर में खुद ट्राई करें, आपका सॉल्व हो जाएगा। सपोज हमारे पास दो साइड्स है, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड, यहां पे हमारे पास ए बी है, यहां पे हमारे पास ए ए और बी डिपार्टमेंट है, क्लियर। तो यहां पे ओपनिंग स्टॉक हमने लिखा, क्लियर, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, टू ओपनिंग स्टॉक लिखा, देन हमने टू परचेज लिखा, उसके बाद आपका आया टू ट्रांसफर फ्रॉम ए, मतलब बी में लिखा जाएगा, यहां पे आप लोगों के फिर से यहां बाय बाय ट्रांसफर, किसने ट्रांसफर किया था, ए ने, तो बी के पास तो ऐड हो गया, अब ए से माइनस होगा, देन बाय सेल्स बाय क्लोजिंग स्टॉक खत्म। एंड यहां पे एक आइटम था टू वेजेस, क्या था, क्लियर। इतना करके आप लोग क्या निकाल सकते हो बच्चों, आपका ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस, क्लियर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देन ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस कहां ट्रांसफर करोगे आप लोग, कहां ट्रांसफर करोगे आप लोग, पीएनएल अकाउंट में, सो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ड्रॉ डाउन जो निकला आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। देन देखो एनी इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्वेश्चन में है क्या, दीज एंटायर स्टॉक रिप्रेजेंट गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ए विच ट्रांसफर देम 25% अबव इट्स कॉस्ट, बी का सारा स्टॉक आपका जो है ए से जो लिया है, ए ने उसको 25% अबव में ट्रांसफर किया है, मतलब कितना रुपया गुड्स ट्रांसफर किया था, इसमें 25% क्या है, मतलब वो कैसे निकलेगा 25/1 निकल जाएगा, तो वो तो अभी जरूरत नहीं है। ओके नेक्स्ट, एंड आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंस आपका है 15,000, कितना है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंस 15,000 विच आर टू बी एलोकेटेड बिटवीन डिपार्टमेंट ए एंड बी इन द रेशियो 4:1, बस पीएनएल अकाउंट का वन आइटम है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, एक साथ दे दिया एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब ये भी दिया ऑफिस का एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी दे दिया, मिला के दिया कितना 15,000, जिसको आपको आपर्सन करना है ए एंड बी में इन द रेशियो 4:1, मतलब 4/5 एंड 1/5 हो गया। उसके बाद आपको क्या नेट प्रॉफिट निकलेगा, नेट प्रॉफिट के बाद आपको क्या निकालना है कॉम्बाइंड प्रॉफिट, तो दोनों का मिला के लिख दोगे कॉम्बाइंड प्रॉफिट हो गया, और एक स्टेटमेंट बनाओगे बाय नेट प्रॉफिट कॉम्बाइंड प्रॉफिट हो गया, पर दैट वाज नॉट दैट इज नॉट वो क्या नहीं है एक्चुअल प्रॉफिट नहीं, क्योंकि उसके अंदर क्या मिला हुआ है 10,000, क्या मिला हुआ है 10,000 मिला हुआ है प्रॉफिट किसका ए का, तो जो आपका निकलेगा आप लोग जब लिखोगे यहां पे बाय नेट प्रॉफिट लिखोगे ना जो भी होगा तो डेबिट में लिखोगे टू टू प्रोविजन हाँ फॉर रिजर्व, आपका कुछ प्रॉफिट बच जाएगा उस रिजर्व में आप क्या लिखोगे यहां पे 10,000, आपका जब फाइनली आप बनाओगे कॉम्बाइंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वहां पे जो नेट प्रॉफिट होगा उसमें से आपको ये 10,000 माइनस करके फाइनली शो करना है दिस प्रॉफिट, दैट इज योर ट्रू प्रॉफिट, क्या होगा क्योंकि ये जो प्रॉफिट आपका निकला होगा पीएनएल अकाउंट में उसमें ए ने बी को ट्रांसफर किया है गुड्स, वो गुड्स कॉस्ट प्लस सम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट में है, समझ में आया कि नहीं। एंड यहां लिखा हुआ है कि यहां पे लिखा हुआ है यहां पे मेंशन है कि 20 एंटायर स्टॉक हमने बोला था ट्रांसफर करने से भी कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर वो स्टॉक बच जाए तो प्रॉफिट नहीं हुआ,
ये बोल रहा है बी का एंटायर स्टॉक, बी का जितना भी स्टॉक है, मतलब स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक, बी का स्टॉक है मतलब कौन है स्टॉक है, अभी लास्ट में क्या बचा है, वो सारा क्या है ए का है, ए से लिया है, आज इसके अंदर 25% प्रॉफिट मिला हुआ है, दैट मीन्स बी ने स्टॉक अभी तक नहीं बेचा, उसके पास जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका अमाउंट सपोज 40,000 होगा, वो क्या दिखा रहा होगा 50, अगर 60 होगा क्या दिखा रहा होगा 70, क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रेड साइड में ज्यादा दिखाएगा तो रिलेटिवली प्रॉफिट क्या होगा ज्यादा होगा, पर एक्चुअली वो प्रॉफिट हुआ नहीं होगा। जब तक सारे स्टूडेंट इसको खुद ट्राई नहीं करेंगे समझने में थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, तो इस क्लास को पूरे अच्छे से सभी करें एंड खुद ट्राई करें, अदरवाइज मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इस प्रॉब्लम को फिर से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।